1600 से अधिक जो बच्चे मेडिकल में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से तहे दिल से बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी का जो मेहनत है उसका ये नतीजा है, और साथ में जो गुरु कृपा, मतलब नाम ही अपने आप में कोचिंग इंस्टीट्यूट कहता है, गुरु की कृपा, उसका नतीजा साफ दिख रहा है कि मैं कहता हूँ एक स्टेट के अंदर इतने डॉक्टर्स नहीं बनते हैं 1600, और आपके एक छोटे से कोचिंग इंस्टीट्यूट में सीकर ने 1600 से अधिक डॉक्टर्स बनाए हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ के अध्यापकों को, यहाँ के टीचर्स को, उनको तहे दिल से धन्यवाद सम्मान देना चाहूँगा कि आपके एफर्ट्स के कारण जो आज इतने बच्चे जो सम्मानित हुए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो आप सबकी मेहनत है, इन बच्चों की मेहनत है, और उन बच्चों के साथ आए हुए अभिभावक जिन्होंने अपना दिन रात एक किया, साथ बच्चों को सपोर्ट किया उनको उनके सपने पूरे करने के लिए। सिंस आप सभी मेडिकल लाइन में सभी ज्वाइन कर चुके हैं, जैसा बताया डॉक्टर बुढ़ानिया ने, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो चुके हैं आप सभी को मेडिकल कॉलेज में, तो आप एक्सपोजर तो ले चुके होंगे एज ए डॉक्टर। बट जितनी मेहनत हमने पीएमटी का एज ए सीनियर की तरह मैं कहना चाहूँगा, बिकॉज 2007 बैच में मैं भी MBBS की है PGI रोहतक से, जितनी मेहनत हमें PMT के सिलेक्शन में की है, अब उससे ज़्यादा और मेहनत करने का समय आ गया है। बिकॉज डॉक्टर की लाइफ जो है वो बहुत कठिन है, और उसको हमें एंजॉय करके निकालना है, उसका एज ए टॉर्चर की तरह नहीं लेना है। सबसे मेन जो है, पहले तक जब सिलेक्शन में होती है बुक्स होती हैं, तो किताबें हमारी मित्र होती हैं, बट मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है वहाँ बुक्स के साथ साथ जो पेशेंट होता है वो आपको सबसे ज़्यादा सिखाता है। तो हमें उस पेशेंट को सम्मान देना है। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा लिसनर। जो मरीज आपके पास आए, जो आपको सिखाएंगे बाद में हिस्ट्री टेकिंग, तो हमें उसकी बात अच्छे से सुननी है, उसके फेस के एक्सप्रेशन देखने हैं। आपको आधी बीमारी उसी चीज़ से पता लग जाएगी उस मरीज में क्या दिक्कत है। यूजली हमें वो पेशेंस होता नहीं है। तो एज ए डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा, अच्छा लिसनर बने, पेशेंट की जो है उसकी दर्द समझें, वो क्या बताना चाह रहे हैं, ना कि जो आजकल इन्वेस्टिगेशन बेस्ड जो डायग्नोसिस करते हैं। एक डॉक्टर पेशेंट की बात तो सुनता नहीं है, बस पर्चियाँ लिखता जाता है, ये टेस्ट करा लें, ये टेस्ट करा लें, ये टेस्ट करा लें। बट अगर एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो मरीज़ की बात सुनना, उसके एग्जामिनेशन करना, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। और आज जो इस प्रांगण में मैं देख पा रहा हूँ, सभी जो बच्चे हैं सभी मध्यम परिवार से हैं। जैसे डॉक्टर देवी शेट्टी कहते हैं, जो मरीज़ की सेवा वही कर सकता है जो एक मध्यम परिवार से बच्चा बनता है। बिकॉज डॉक्टर्स की ड्यूटी 18 से 20 घंटे की होती है। जैसे जैसे अभी MBBS में है, आप जब बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन में आएंगे तो आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा चाहिए। हमें जो पेशेंट का दर्द समझ के वो मन में भाव जरूर होना चाहिए उसको, उसकी सेवा करना। और मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है करेक्टर बन के ही कुछ आप अलग कर पाएंगे। एक अच्छा डॉक्टर भी उतनी सेवा करता है समाज की जितना इस सर्विसेज में आके हैं। अपने हर ऊंचाई को आगे ऐसे ही बढ़ते जाना है, मेहनत लगातार करते जाना है, और जिस भी कैरियर में आप जाएं, सिंस अभी डॉक्टर्स हैं और बाद में अगर कोई चेंज भी करता है, अपने कैरियर में बेस्ट दें। और हमेशा ये चीज़ याद रखें, अगर सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह तपना भी होगा, मेहनत भी करनी होगी। और इसके अलावा जो भी अपने जहाँ हो, बस पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स आमजन, उसकी सेवा भाव वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अगर उनका हमें भला करना है जिसके लिए हमें बना है, ये भगवान की कृपा है। बिकॉज अगर कंपटीशन देखेंगे लाखों बच्चों में से आप जो गिने चुने हो जिनको भगवान ने मौका दिया है, तो हमें वो फीलिंग ऑफ डिवोशन टू द मैन काइंड वो हमें याद रखना है। और इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः बधाई देना चाहूँगा, और यहाँ के जो शिक्षक हैं उन सभी को भी बधाइयाँ, आपके एफर्ट्स के कारण इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और मुझे बुलाया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।